नमस्ते दोस्तों, कैरी ऑन ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल पे मैं अमोल आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर कैसे बनता है और हम उसको कैसे खरीद सकते हैं। ये वीडियो बिगिनर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो लोग स्टॉक मार्केट में नए हैं या फिर जिनको स्टॉक मार्केट में स्टार्ट करना है, स्टॉक मार्केट को समझना है, स्टॉक मार्केट क्या होता है। इस वीडियो में मैं एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ आप सभी को स्टेप बाय स्टेप हर चीज एक्सप्लेन करूंगा। आप वीडियो को एंड तक देखिए और एंड में आपके माइंड में जो भी डाउट्स है, शेयर कैसे बनता है, शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर कौन खरीद सकता है, कहाँ से खरीद सकता है, ये सब पॉइंट्स वीडियो के एंड तक आपके माइंड से निकल जाएंगे। मैं गारंटी देता हूँ इस वीडियो के बाद आपके माइंड से स्टॉक मार्केट के बारे में जो मिथ है वो भी क्लियर हो जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको ये सब डिटेल बताता हूँ, आप वीडियो में एंड तक प्लीज कंटिन्यू कीजिए। वो मेरी स्क्रीन आप सभी लोगों को अभी विजिबल होगी। स्क्रीन पे देखिए एक टी सेलर का बिजनेस है। एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक कहानी के माध्यम से ये पूरा टॉपिक कवर करूंगा कि शेयर कैसे बनता है और शेयर मार्केट क्या होता है। एक स्क्रीन पे देखिए एक चाय के कप्स होंगे और चाय के कप्स जो है एक टी सेलर है और वो चाय बेच रहा है। ओके, उसकी चाय की दुकान है और उसका चाय का बिजनेस अच्छा खासा चालू है पिछले 5 सालों से। वो चाय वाले का नाम नाम कुछ भी रख देते हैं, एक एक्स वाई जेड उसको नाम दे देते हैं और हम एक अज्यूम करते हैं कि उसका जो बिजनेस है 5 सालों से चल रहा है और हर महीने उसके बिजनेस से वो 10,000 रुपये कमाता है। उसके बिजनेस से वो हर महीने 10,000 रुपये कमाई करता है और 5 साल में उसके पास 5 साल में उसके पास 1 लाख रुपए सेविंग होती है। 5 साल में उसके पास 1 लाख रुपए सेविंग होती है। अब 5 साल में 1 लाख रुपए सेविंग कैसे होती है? उसके पास में हर महीने वो 10,000 रुपए उसके बिजनेस से कमाता है हर महीने, और उसका जो खर्चा है, डेली का खर्चा, महीने का खर्चा, उसके फैमिली का खर्चा, बच्चों का खर्चा, स्कूल का खर्चा, शादी का खर्चा, पार्टी का खर्चा, वो सब खर्चा निकाल के 5 साल के बाद उसके पास 1 लाख रुपए सेविंग होती है। 1 लाख रुपए उसके पास 5 साल के बाद सेविंग होती है। वो कंटिन्यूली ये बिजनेस कर रहा है, बराबर टी सेलर का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं और इसमें हम देख रहे हैं कि शेयर मार्केट क्या होता है और शेयर कैसे बनता है, राइट? सो एक दिन ये चाय वाला घर बैठे बैठे सोचता है कि मेरा तो बिजनेस 5 सालों से चालू है, अच्छा खासा मेरा बिजनेस चल रहा है, 5 सालों से मुझे अच्छी खासी उसमें कमाई भी हो रही है, क्यों ना मैं मेरा बिजनेस को और बढ़ा करूं। बिजनेस को बड़ा करूं मतलब चाय वाले का बिजनेस कैसे होगा? अभी चाय की उसकी एक दुकान है तो वो सोचता है कि और मुझे 4 दुकानें बनानी चाहिए और मुझे 2 दुकानें बनानी चाहिए। सिटी में और कोई दूसरा चौराहा होगा या फिर दूसरी कोई एरिया होगा, वो एरिया में मेरा मैं चाय का दुकान ओपन करूंगा या फिर चाय का स्टॉल जो है वो वहां पे मैं लगाऊंगा या मैं वहां पे किसी को काम पे रखूंगा, वो देखेगा, कुछ टाइम मैं वहां पे जाऊंगा, कुछ टाइम जिस दुकान पे बैठूंगा, ऐसा उसका माइंडसेट बन जाता है और वो सोचता है कि मुझे चाय का बिजनेस चालू करना है, मतलब बढ़ाना है। ओके, अभी एक दुकान है, एक दुकान की जगह पे और मुझे 2 दुकानें बनानी है, बराबर। सो जब घर पे ये सब सोच रहा होता है, सोचते सोचते उसके माइंड में आता है कि वो कैलकुलेशन करता है और उसके माइंड में आता है कि चाय का बिजनेस और बड़ा करने के लिए और ग्रो करने के लिए मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उसके पास होते हैं सिर्फ 1 लाख रुपए। उसकी जो 5 साल में सेविंग होती है वो होती है सिर्फ 1 लाख रुपए की और उसको चाहिए चाय का बिजनेस ग्रो करने के लिए 2 लाख रुपए। सो उसको चाहिए एक्स्ट्रा और 1 लाख रुपए, वो कहाँ से अरेंज करेगा? वो सोचता है कि मुझे तो बिजनेस बढ़ाना है लेकिन अभी मेरे पास सिर्फ 1 ही लाख रुपए है और मुझे चाहिए टोटल 2 लाख रुपए, तो क्या करेगा? उसके माइंड में विचार आता है, सोचता है वो कि मैं 1 लाख रुपए जो है बैंक से लोन पे ले लूंगा, बैंक से मैं 1 लाख रुपए का लोन ले लूंगा और 1 लाख रुपए मेरे पास के और 1 लाख रुपए बैंक लूंगा, ऐसा करके
मेरा वो बिजनेस में वो पैसा लगा था। बैंक के पास जाता है, बैंक को लोन के लिए एप्लीकेशन देता है, बैंक उसका लोन का एप्लीकेशन अप्रूव कर देता है, बैंक उसका लोन का जो एप्लीकेशन है अप्रूव कर देता है, बैंक उसको लोन देने के लिए हाँ बोलती है। ओके, अब वो फिर घर पे आता है शाम को और वापस और सोचता है कि बैंक तो मुझे लोन देने के लिए तैयार है, लेकिन मैंने बैंक से लोन लिया और अगर वो लोन लेके मैंने बिजनेस चालू किया और उस बिजनेस की ग्रोथ नहीं हुई या फिर वो बिजनेस मेरा चला नहीं, तो बैंक का पूरा लोन मुझे अकेले को देना पड़ेगा और उसके साथ साथ मुझे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा बैंक को। उसको ऐसा लगता है, फिर वो डर जाता है उससे और बैंक की लोन की जो ऑफर है वो उसको रिजेक्ट कर देता है। बैंक के लोन की ऑफर है वो रिजेक्ट कर देता है कि भाई मुझे बैंक का लोन नहीं चाहिए। उसके पास और एक दूसरा ऑप्शन होता है पैसे जमा करने के लिए, पैसा जमा करने के लिए उसके पास और दूसरा ऑप्शन होता है। और दूसरा ऑप्शन जो होता है, एक ऑप्शन है बैंक का और दूसरा ऑप्शन है पब्लिक फंड का। दूसरा ऑप्शन है उसका पब्लिक फंड का। पब्लिक फंड मतलब, पब्लिक मतलब मैं और आप, पब्लिक मतलब मैं और आप। पब्लिक का पैसा कैसे लेगा, कि कोई जाके चौराहे पे खड़ा रहेगा क्या, या फिर आपको और मुझे मांगेगा? नहीं, पब्लिक से पैसा लेने का एक तरीका है कि ऐसा नहीं कि कोई चौराहे पे गया, कोई दुकान के सामने खड़ा रहा और बोला कि भाई मुझे, मैं मेरी दुकान चालू कर रहा हूँ, मेरी दुकान एक चाय की दुकान है और जो और दूसरी दुकान चालू करनी है, मुझे पैसा दो, ऐसे कोई नहीं देगा। तो फिर पब्लिक से पैसे लेने का एक तरीका है जो गवर्नमेंट ने बनाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पूरी दुनिया ने बनाया, पूरी दुनिया में ये चलता है, अपने देश में भी ये पब्लिक से पैसा लेने का सिस्टम है। उस सिस्टम को बोलते हैं स्टॉक मार्केट। उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? स्टॉक मार्केट। कैसे बोलते हैं स्टॉक मार्केट, बताता हूँ। ओके, इसी वीडियो में हम सब कवर करेंगे। कैसे पब्लिक से लेने का तरीका क्या है? गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी बनाई, गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी बनाई, एक इंस्टीट्यूशन बनाई है, एक कमिटी बनाई, फॉर्म की है। उस कमिटी का नाम है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या है ना, SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी गवर्नमेंट ने बनाया। और सेबी को गवर्नमेंट ने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि जिस बिजनेसमैन को पैसा चाहिए और जिस आदमी को पैसा देना है, जिस आदमी को पैसा देना है मतलब जिस बिजनेसमैन को पैसा चाहिए, वैसे बिजनेसमैन आप देखो। ओके, उनको आप एक लिस्ट करो, रजिस्टर्ड करो, लिस्ट करो, रजिस्टर्ड करो, मतलब जिस बिजनेसमैन को पैसा चाहिए उनकी एक टीम बनाओ, उनको एक जगह पे लाओ, उनके लिए कुछ प्लेटफॉर्म क्रिएट करो, उनके लिए कोई एक्सचेंज क्रिएट करो। एक्सचेंज मतलब जिस बिजनेसमैन को पैसे चाहिए, जिस बिजनेसमैन जो बिजनेस ओनर है, जिस किसी को भी पैसे चाहिए उसको उस प्लेटफॉर्म पे आना है और लोगों को पैसे मांगने। अब लोगों को पैसे मांगने मतलब उधर भी जाके ऐसा तो नहीं कि भाई आप मुझे पैसे दे दो, पैसे दे दो, ऐसा तो नहीं होगा वहां पे। जिसको पैसा चाहिए और जिसको पैसा देना है, आपके जैसे और मेरे जैसे लोग, जिसको बोलते हैं रिटेल ट्रेडर या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स, उसी सेम प्लेटफॉर्म पे, उसी सेम एक्सचेंज पे वो लोग खुद को रजिस्टर करते हैं, उसी प्लेटफॉर्म पे, उसी जगह पे वो खुद को रजिस्टर करते हैं। और जो बिजनेस ओनर है, जैसे ये चाय वाला है, ये चाय वाले ने क्या किया, उसका बिजनेस वहां पे रजिस्टर्ड किया, वहां पे लिस्ट किया, और वहां पे बिजनेस लिस्ट करने के बाद उसने लोगों को उसका बिजनेस दिखाया। दिखाया मतलब वहां पे उसकी बिजनेस की जो इंफॉर्मेशन है वो वहां पे सब उसने लगा दिया। और लोगों ने क्या किया, आप जैसे और मेरे जैसे लोगों ने वो उस इंफॉर्मेशन को पढ़ा, उस जानकारी को, पूरी इंफॉर्मेशन को पढ़ा, उससे उसके बिजनेस से रिलेटेड। और बिजनेस को पढ़ने के बाद लोगों को अगर लगा, ठीक लगा कि ये बिजनेस अच्छा है, आगे इससे अच्छा और चल सकता है, इसमें अगर मैं पैसे दूंगा तो ये बिजनेस आगे और ग्रो कर सकता है, और इसको ग्रो होने के बाद इसको दो पैसे मिलेंगे तो उसमें से दो पैसे मुझे भी मिलेंगे। इस ये प्रोसेस है, इसको बोलते हैं एक्सचेंज।
प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सचेंज। मतलब क्या, एक को पैसा देना है और दूसरे को लेना है, ठीक है? तो उसके बदले में क्या देता है वो? जो पैसा देता है, जब कोई पैसा देता है तो उसको कुछ गारंटी चाहिए ना। अगर आप और मैं किसी बिजनेस को पैसा दे रहे हैं तो हमें कुछ गारंटी चाहिए ना, भाई मैं आपको पैसा दे रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा गारंटी? तो उसके बदले में वो जो बिजनेस ओनर है, जो बिजनेस मैन है, वो जो बिजनेस ओनर है, उस आदमी को, उस रिटेल इन्वेस्टर को या रिटेल ट्रेडर को, आपके जैसे और मेरे जैसे आदमी को, उसकी बिजनेस की पार्टनरशिप देता है, उसकी बिजनेस की पार्टनरशिप देता है। पार्टनरशिप कैसे देता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वो बिजनेस ओनर आपको और मुझे उसकी बिजनेस की पार्टनरशिप कैसे देता है। ये जो चाय वाला है जिसका हम एग्जाम्पल लेते हैं, ये चाय वाला जो है उसका बिजनेस एक्सचेंज पे लिस्ट करता है। लिस्ट करता है मतलब रजिस्टर करता है एक्सचेंज पे, उसका बिजनेस लिस्ट करता है एक्सचेंज के रूल के हिसाब से। एक्सचेंज कुछ रूल है कि भाई आपका बिजनेस कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कुछ रूल है। अभी हम वो बिजनेस कैसा होना चाहिए उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन उनके रूल के हिसाब से वो बिजनेस वहां पे लिस्ट कर देता है, रजिस्टर कर देता है। बिजनेस रजिस्टर करने के बाद वो उसकी जो कंपनी, उसके पास अभी टोटल 1 लाख रुपए है उसकी कंपनी के पास में, उसकी कंपनी को वो 1 लाख रुपए की कंपनी है उसकी, और उस 1 लाख रुपए की जो कंपनी है उस कंपनी को वो 10,000, 10,000 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। क्या करता है, उसके पास 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए की कंपनी को वहां पे लिस्ट करता है और उसकी कंपनी को 10,000 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। कौन? ये चाय वाला जिसका हम एग्जाम्पल लेंगे। तो 1 लाख की कंपनी है उसको 10,000 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो उसकी कंपनी के टोटल पार्ट्स जो है वो है 10,000, और हर पार्ट की जो वैल्यू बनती है वो बनती है 10 रुपए। हर पार्ट की जो वैल्यू है वो बनती है 10 रुपए। ये कंपनी के इक्वल पार्ट्स जो करता है, इसी को मार्केट की लैंग्वेज में बोलते हैं शेयर या फिर स्टॉक। इसी को मार्केट की लैंग्वेज में बोलते हैं शेयर या स्टॉक। मतलब कोई भी बिजनेसमैन उसकी कंपनी वहां पे लिस्ट करता है, उसकी कंपनी का जो वैल्यूएशन है, उसकी कंपनी का जो कैपिटल है, वैल्यूएशन कैपिटल, उसका जो कंपनी का जो पैसा है, उसको स्टॉक मार्केट में एक्सचेंज पे लिस्ट करने के बाद, उसको जब वो एक्सचेंज के रूल के हिसाब से, एक्सचेंज के रूल के हिसाब से बताता है कि भाई मेरे कंपनी के 1 लाख की वैल्यूएशन है और 1 लाख के वैल्यूएशन के इतने शेयर बनते हैं, 1 लाख का वैल्यूएशन है और 1 लाख वैल्यूएशन के 10,000 शेयर बनते हैं उसके, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 अगर हम करते हैं तो आंसर आता है 10 रुपए। मतलब क्या कि हर शेयर की जो वैल्यू है, हर शेयर की जो प्राइस है वो बनती है 10 रुपए। हर शेयर की प्राइस जो है वो हो जाती है 10 रुपए। मतलब ये जो चाय वाला है उसकी कंपनी के उसने 10,000 इक्वल पार्ट्स किए, उसी को शेयर बोलते हैं या फिर स्टॉक बोलते हैं, और या फिर उसी को भी इक्विटी भी बोलते हैं कोई लोग। ओके, इक्विटी, शेयर या स्टॉक, आप कुछ भी बोल सकते हैं, तीनों का मतलब एक ही है। सो इसका इक्विटी का जो प्राइस है, शेयर का जो प्राइस है या स्टॉक का जो प्राइस है वो है 10 रुपीज। ओके, अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात, जब कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में फर्स्ट टाइम लिस्ट जब होती है ना, जब कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में फर्स्ट टाइम लिस्ट होती है, लिस्ट होने के बाद उसकी जो फर्स्ट टाइम प्राइस निकलती है, फर्स्ट टाइम जो प्राइस निकलती है उसको मार्केट की लैंग्वेज में बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। ओके, फेस वैल्यू मतलब शेयर की ओरिजिनल प्राइस। फेस वैल्यू मतलब शेयर की ओरिजिनल प्राइस जब वो कंपनी लिस्ट करता है स्टॉक मार्केट में, लिस्ट करने के टाइम में जब वो एक्सचेंज को उसकी प्राइस बताता है, शेयर की जो प्राइस बताता है उसको बोलते हैं फेस वैल्यू, मतलब वो रियल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू। ओके, आज की डेट में जितने भी स्टॉक्स मार्केट में अभी है, जैसे रिलायंस है, टाटा है, महिंद्रा मेहता है, आईटी है, इंफोसिस है, इनकी जो भी प्राइस आज आज देखेंगे मार्केट में, वो उसकी मार्केट प्राइस है, उसकी वो फेस वैल्यू प्राइस नहीं है। उसको बोल सकते हैं फेस वैल्यू नहीं है वो, सब मार्केट वैल्यू। जो भी अगर मान लो रिलायंस की प्राइस अगर 2,500 रुपए है तो उसकी मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू उसकी जब वो लिस्ट हुआ था उस टाइम पे जो वैल्यू उसने बताया होगी वो कोई उसकी फेस वैल्यू।
सो ये जो स्टॉक, ये जो कंपनी ये लिस्ट करता है, ये आदमी एक्स वाई जेड जिसका नाम दे लिया है, ओके, तो 1 लाख उसकी कंपनी का वैल्यूएशन होता है, 10 रुपए उसकी फेस वैल्यू होती है, और टोटल उसके शेयर्स होते हैं 10,000, ओके। मतलब 10,000 इंटू अगर मैं 10 भी करूं तो आंसर मेरा आ जाएगा 1 लाख, मतलब 1 लाख रुपए। आप 10,000 शेयर बोलो या फिर 1 लाख रुपए बोलो, कंपनी का वैल्यूएशन सेम ही रहेगा, ओके। और टोटल शेयर 10,000 हो गए और हर शेयर की जो वैल्यू हो गई 10 रुपए, बराबर। सो अब ये क्या करता है डी सेलर, क्या करता है, उसको तो पैसे चाहिए, उसको बिजनेस बढ़ाना है। अभी एक्सचेंज के रूल के हिसाब से अब क्या करता है वो, उसकी कंपनी के जो 10,000 शेयर से, 10,000 शेयर जो उसकी कंपनी के, उसमें से वो 5,000 शेयर जो है वो पब्लिक को बेच देता है, 5,000 शेयर पब्लिक को बेच देता है 20 रुपए के हिसाब से। पब्लिक को उसकी शेयर्स 20 रुपए के हिसाब से बेच देता है। 20 रुपए से क्यों बेचता है, अब वो मालिक है, उसके शेयर की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो 10 रुपए है, मतलब उसकी बिजनेस की जो वैल्यू है वो 1 लाख रुपए टोटल, और उसके जो उसने इक्वल पार्ट्स किए, हर पार्ट्स की वैल्यू आ रही है 10 रुपए, मतलब उसकी कंपनी की हर शेयर की प्राइस हो गई 10 रुपए। अब कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी मालिक, कोई भी किसी भी टाइप का बिजनेस को अगर उसकी प्रोडक्शन वैल्यू 10 रुपए आ रही है तो उस बिजनेस को 10 रुपए में नहीं बेचेगा, उस बिजनेस को वो कुछ मार्जिन रख के लोगों को बेचेगा। अभी इस केस में ये जो चाय वाला है, इसकी बिजनेस की जो वैल्यू आई है वो 1 लाख रुपए है और हर शेयर की वैल्यू जो है वो 10 रुपए है, तो इसको 10 रुपए में नहीं बेचता लोगों को, वो बेचता है 20 रुपए से, वो बेचता है 20 रुपए से। 10 रुपए हो गई उसकी फेस वैल्यू और 10 रुपए उसमें वो एडिशनल मार्जिन ऐड करता है, जिसको मार्केट की लैंग्वेज में बोलते हैं प्रीमियम, मतलब वो 10 रुपए का उसमें प्रीमियम ऐड करता है, और वो उसके शेयर जो है पब्लिक में थ्रू आईपीओ, थ्रू आईपीओ, आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, इसको बोलते हैं आईपीओ, थ्रू आईपीओ, थ्रू आईपीओ वो पब्लिक को बेच देता है, इसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर मतलब जब कोई भी कंपनी लिस्ट होने के बाद फर्स्ट टाइम उसके शेयर जब बेचती है लोगों को, उसको एक आईपीओ के थ्रू बेचा जाता है, मतलब डायरेक्टली वो लिस्ट नहीं होती है, पब्लिक को उसको ऑफर करना पड़ता है, लोगों को उसको बताना पड़ता है, उसको मार्केटिंग करना पड़ता है। मार्केटिंग वो कैसे भी कर सकता है, वो डायरेक्टली लोगों को लेटर्स भी भेजते हैं घर पे, मेल भी भेजते हैं, जो ब्रोकर है वो भी भेजते हैं, मेल भेजते हैं, और बाकी टीवी एडवर्टाइजमेंट है, न्यूज़पेपर है, बहुत सारे टेक्निक्स है पब्लिक को बताने का, ओके। और जो लिस्टेड लोग है, लिस्टेड लोग मतलब जो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड लोग है, आप जैसे और मेरे जैसे, वो फिर उसको आईपीओ में इंटरेस्ट लेते हैं, आईपीओ में इंटरेस्ट लेते हैं तो उसको अप्लाई करना बोलते हैं मार्केट की लैंग्वेज में, उसमें वो लोग पार्टिसिपेट होते हैं, पार्टिसिपेट होके उनको वो आईपीओ में शेयर अलॉटमेंट होती है। अब सेम प्रोसेस जो है, जो चाय वाला है उसके 5,000 शेयर जो है वो पब्लिक को बेच देता है, 5,000 शेयर × 20 रुपीज, मतलब वो 20 रुपए से 5,000 शेयर पब्लिक में बेच देता है। अगर 5,000 शेयर 20 रुपए से बेचता है तो उसकी उसको पब्लिक से मिल जाता है 1 लाख रुपए। अगर 5,000 को 20 से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसको मिल जाते हैं 1 लाख रुपए, और खुद के पास वो रखता है, टोटल शेयर होते हैं उसके 10,000, और उसमें से 5,000 शेयर बेच देता है और 5,000 शेयर उसके खुद के पास रहते हैं। वो खुद के पास जो शेयर रहते हैं, मतलब उसको बोलते हैं मार्केट की लैंग्वेज में होल्डिंग्स, और स्टॉक मार्केट में जो कंपनी का मालिक होता है इसको बोलते हैं प्रमोटर। मतलब इस केस में अगर हम बोलेंगे तो ये चाय वाला हो गया प्रमोटर, और प्रमोटर के पास जो होल्डिंग्स है वो है 50%, बराबर। मतलब उसके पास जो शेयर्स थे टोटल, उसमें से 50% उसने बेच दिए और 50% खुद के पास रखे। अब 50% उसने जो शेयर बेचे हैं, 50% जो शेयर बेचे हैं उसकी प्राइस हो गई 20 रुपए मार्केट में, और 50% जो बचे हैं उसके पास उसकी भी प्राइस हो गई 20 रुपए। 50% मार्केट में बेचे 20 रुपए के हिसाब से, 20 रुपए के हिसाब से उसके पास जो शेयर थे उसकी भी वैल्यू उतनी ही हो गई 20 रुपए, 20 रुपीज।
दिस इज द मैजिक ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट का यही जादू है, इसलिए कोई भी बिजनेसमैन स्टॉक मार्केट में आता है और पब्लिक से पैसा लेता है। मतलब आपने अगर एक बार पब्लिक को शेयर बेच दिए और पब्लिक ने जो शेयर की प्राइस लगाई है, जो प्राइस मार्केट में है, वो सेम प्राइस आपके पास जो शेयर से उसकी भी हो जाएगा। मतलब रामू रामू मीन्स ये चाय वाला, ओके। जो टी सेलर है इसका नाम रामू रखते हैं, बराबर है। जो टी सेलर है इसने 5,000 शेयर लोगों को बेचे और खुद के पास 5,000 शेयर रखे। जो उसके पास 5,000 शेयर जो थे उसकी भी प्राइस हो गई 20 रुपए। 20 रुपए इंटू 1 लाख रुपए हो गए, और उसको जो पब्लिक से 1 लाख रुपए आए ऐसे उसके हो गए टोटल 2 लाख रुपए। अब इसको बिजनेस ग्रो करने के लिए, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा कि इसको बिजनेस ग्रो करने के लिए चाहिए थे 2 लाख रुपए, बराबर। इसको पब्लिक से मिले 1 लाख रुपए, और पब्लिक को जो शेयर बेचे उससे 1 लाख रुपए मिले, और जो उसके पास जो होल्डिंग्स थी खुद की उससे उसको 1 लाख रुपए मिले। ऐसे 1+1 2 लाख रुपए लेके वो उसका बिजनेस आगे वो पैसा ग्रोइंग में लगाता है, बराबर। सेम अब आगे क्या होता है, इस पैसे को बिजनेस में लगा के इसमें से जो प्रॉफिट होता है, जो बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है, बराबर है, बिजनेस में इसको जो प्रॉफिट होता है वो पब्लिक में बांटता है। बांटता है मतलब कैसे बांटता है, वो डिविडेंड के थ्रू बांटता है, बराबर। डिविडेंड मतलब एक बोनस के टाइप है, बोनस शेयर भी देता है, बोनस देता है, डिविडेंड देता है, और मार्केट में अगर उसको प्रॉफिट होता है उसके बिजनेस को अगर प्रॉफिट होता है फ्यूचर में, तो मार्केट में जो उसके शेयर है उसकी वैल्यू बढ़ती है। जैसे मान लो लोगों ने उसके शेयर 20 रुपए की प्राइस से खरीदे हैं, 20 रुपए के प्राइस से उसके शेयर्स लोगों ने खरीदे हैं, और उसके जो कंपनी का जो ग्रोथ है वो कंसिस्टेंटली अच्छा हो रहा है, तो उसकी शेयर की जो डिमांड है पब्लिक में वो बढ़ जाती है। लोग उसके 20 रुपए के शेयर को बोलते हैं हमें 30 रुपए में दो, 40 रुपए में दो, 50 रुपए में दो, ऐसे उसकी जो प्राइसिंग वो बढ़ती है, और ऐसे हम उसको ऐसे हम हमारे जैसे लोगों से मुनाफा हो सकता है। मुनाफा कैसे होगा, जो शेयर्स उसने स्टार्टिंग में आईपीओ में लोगों को बेचे थे, जो शेयर्स लोगों को उसने आईपीओ में 20 रुपए से बेचे थे, वो लोगों की शेयर की प्राइस अगर बढ़ जाती है 20 की 40 हो जाती है, तो वो हो जाता है उनका मुनाफा, बराबर। जिसने 20 रुपए में खरीदा था वो लोग फ्यूचर में उसको फिर 40 रुपए में, 50 रुपए में, 60 रुपए में, जो भी प्राइस बढ़ती है उस प्राइस पे लोग उस शेयर को मार्केट में बेच देते हैं, बराबर। एक शेयर मार्केट का एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि स्टॉक मार्केट में शेयर कैसे बनता है, शेयर का सिस्टम कैसे चलता है। मतलब स्टॉक मार्केट का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ और किस पर्पज से हुआ, मतलब शेयर मार्केट क्यों बना है, शेयर कैसे बनता है, शेयर मार्केट बनाने की जरूरत क्या पड़ी, मतलब एक बिजनेसमैन को बिजनेस ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए, बराबर। वो पैसा उसको चाहिए तो वो पैसा कहाँ से मिलेगा, वो पैसा ले सकता है पब्लिक से। अब पब्लिक यहाँ पे मतलब कौन, आप और मैं रिटेल ट्रेडर है, बराबर, और एक दूसरी पब्लिक होती है उसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशन मतलब कौन होते हैं, इंस्टीट्यूशंस जो मेजर बैंक्स है, LIC जैसे फर्म्स है, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हाउसेस है, कारपोरेट हाउसेस है, इंडिया में और इंडिया के बाहर के ऐसे जितने भी हाउसेस है या फिर जितने भी इंस्टीट्यूशन है, वो लोग भी स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं आपके जैसे और मेरे जैसा, लेकिन उनके लिए थोड़ा सा क्राइटेरिया, थोड़ा सा जो सेबी ने बनाया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आप लोगों को स्टॉक मार्केट क्या है ये एक थोड़ा सा ब्रीफली आइडिया आया होगा, आपका जो भी रिव्यू है, कमेंट्स है वीडियो के ऊपर आप डेफिनेटली बताइए, आपको जो भी कुछ क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट में पूछिए। वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको कुछ और वीडियो चाहिए, कुछ डिमांडिंग वीडियोस है तो पक्का कमेंट्स में डालिए, पक्का हम शेयर करने की बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।